नमस्कार दोस्तों। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के एक नए वीडियो में नए क्लेवर के साथ मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लॉज 31 सब क्लॉज बी की। दोस्तों, क्लॉज 31 सब क्लॉज बी जो इंफॉर्मेशन जाती है इसके अंदर, वो जाती है डिटेल ऑफ एनी स्पेसिफाइड सम टेकन और एक्सेप्टेड इन एन अमाउंट एक्सीडिंग लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 269SS, डेट इज ₹20,000। यानी कि क्लॉज 31B के अंदर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रिपोर्ट देनी होती है वो देनी होती है उन सभी पेमेंट्स की, उन सभी सम्स की जो कि आपने लिए हैं या आपने एक्सेप्ट किए हैं ₹20,000 से ज्यादा, जो कि एक लिमिट बताई गई है सेक्शन 269SS में। चलिए इस वीडियो में इसे डिटेल में समझते हैं कि भाई आखिर ये क्लॉज क्या कहता है, इसके अंदर क्या चीज कवर होती है, क्या कवर नहीं होती है, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, सीए को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सभी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ना, अगर नॉट ओनली कि आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बिजनेस पर्सन को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ध्यान रख सकें कि भाई ऐसी वो गलती ना करें कि उनकी अननेसेसरी टैक्स ऑडिट के अंदर एक क्वालिफाइड रिपोर्ट जली जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्लॉज 31B रिपोर्टिंग स्पेसिफाइड सम ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग ₹20,000। Clause 31B of the tax audit report pertains to the reporting of details related to specified sums taken or accepted by the SSC that exceed the limit specified in Section 269SS of Income Tax Act, which is ₹20,000 or more. यानी कि 31B जो हमारा क्लॉज है टैक्स ऑडिट का, फॉर्म 3CD का, वो सेक्शन 269SS जो इनकम टैक्स का है उसके अंदर एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है कि भाई आप कोई भी सम्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिसीव नहीं करोगे जो कि ₹20,000 से ज्यादा है इन कैश। तो सेक्शन 269SS ऑफ द IT एक्ट प्रोहिबिट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ लोन्स और डिपॉजिट्स ऑफ मोर देन ₹20,000। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि आपको आपने पैसा किसी भी चीज के लिए लिया हो, वो मना करता है, खासतौर पर लोन्स और डिपॉजिट्स यदि आपके ₹20,000 से ज्यादा है तो वो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है। The purpose of this section is to prevent the use of cash for tax evasion. भाई बेसिक पर्पज क्या है कि भाई हमें टैक्स का इवेजन रोकना है, क्योंकि आप भी जानते हो कि यदि हम कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारी टैक्स की चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक्सेप्शंस क्या है, चलिए अब एक्सेप्शंस को जानते हैं। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस फॉर सेक्शन 269SS। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू लोन्स ऑन डिपॉजिट्स मेड। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? बाय ए बैंक टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यदि कोई पेमेंट बैंक के द्वारा किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, बाय ए गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी पेमेंट को रिसीव करती है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सच एज लोन फ्रॉम ए कस्टमर टू ए शॉपकीपर। यदि क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने ये चीज की है तो यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं कि लोन फ्रॉम ए कस्टमर टू शॉपकीपर में भी लिमिट ₹20,000 की आ जाती है, लोन्स अलाउड नहीं होते हैं। इन कनेक्शन विद लोन्स और डिपॉजिट डेट इज सिक्योर्ड बाई मोर्टगेज और अदर सिक्योरिटीज, यदि मोर्टगेज और सिक्योरिटीज के द्वारा अगर कवर्ड है तो उस केस में। तो बेसिकली जो बैंकों के द्वारा जो ट्रांजेक्शन होती हैं, बैंक कैश में रिसीव कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज रिसीव कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और यदि कोई बंदा इस सेक्शन को वायलेट करता है तो पेनल्टी कितनी है, पेनल्टी है ₹10,000 की, उसके ऊपर ₹10,000 की पेनल्टी लग जाती है। Here are some additional things to keep in mind about section 269SS. क्यों, देखो जब आपको section 269SS समझ में आ गया तो मतलब कि आपको ये क्लॉज भी समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम section 269SS पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। वो क्या है, This section applies to both loans and deposits. A loan is defined as a sum of money lent on the understanding that it will be repaid with interest. भाई ये लोन और डिपॉजिट्स दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती है। लोन को क्या कहते हैं, लोन जो आप पैसे भैया मैं उधारी पे पैसा दे दो, मैं विद इंटरेस्ट आपको पेमेंट कर दूंगा, एक जर्नल जो हम लोग सोच रहे हैं। डिपॉजिट्स इज डिफाइंड एज ए सम मनी प्लेस्ड विद समवन एल्स फॉर सेफ सेफ कीपिंग और इन्वेस्टमेंट। डिपॉजिट्स का कि भाई साहब मैं आपको दे रहा हूँ कि सब ये मेरे ₹1,00,000 रख लीजिए और इसे इन्वेस्ट कर दीजिए, तो ये भी आप अलाउड नहीं है कैश में। दिस द सेक्शन अप्लाइज टू द पर्सन हु एक्सेप्ट द लोन्स और डिपॉजिट्स, नॉट फ्रॉम द पर्सन हु मेक्स इट।
तो ये अगर आप किसी एक पर्सन से भी अगर आप लोन से डिपॉजिट्स लेते हैं तो एप्लीकेबल होगा। दिस सेक्शन अप्लाइज टू द अमाउंट ऑफ लोन्स और डिपॉजिट्स, नॉट द नंबर ऑफ लोन्स और डिपॉजिट्स। ये सिंगल लोन और डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि नंबर ऑफ लोन्स और डिपॉजिट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन एक्सेप्ट टू लोन्स ऑफ ₹19,000 ईच इन ए सिंगल डे, दे वुड बी इन वायोलेशन ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पर जो वर्ड है, एक पर्सन के लिए वर्ड है। अगर आप ये कहते हो भाई मैंने एक आदमी से 2 बार में 19,000 रुपए 2 बार उधार लिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब आपने टोटल 38,000 आपने उधार ले लिए कैश में, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा फिर ये कहते हैं, देखो और देखो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, इससे अच्छा आपको और क्या मिलेगा। देखो इतने सारे एग्जाम्पल, हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजेक्शन डेट आर सब्जेक्ट टू सेक्शन 268(s). ए रियल एस्टेट डेवलपर एक्सेप्टिंग ₹21,000 कैश डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर। भाई एक रियल एस्टेट डेवलपर ने कहा भाई साहब 21,000 रुपये आप डिपॉजिट मनी दे दीजिए, अर्नेस्ट मनी दे दीजिए, या आप एडवांस दे दीजिए, बुकिंग अमाउंट दे दीजिए, तो भैया सेक्शन 268(s) एप्लीकेबल होगा। ए बिजनेसमैन एक्सेप्टिंग ₹20,000 कैश लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड। भाई बिजनेस पर्सन ने किसी से दोस्त से दोस्ती बोल देते हैं, दोस्ती देगा पैसा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसने 20,000 रुपये लोन ले लिया है। एक कंपनी एक्सेप्टिंग ₹20,000 कैश डिपॉजिट फ्रॉम ए सप्लायर, सप्लायर से उन्होंने 20,000 रुपये कैश डिपॉजिट करा लिए है। अब हम बात करते हैं, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर नॉट सब्जेक्ट टू, जिसपे एप्लीकेबल नहीं होगा। ए बैंक एक्सेप्टिंग ₹20,000 कैश डिपॉजिट फ्रॉम ए कस्टमर। तो भाई देखो बैंक के लिए ऊपर तो एक्सेप्शन, हमने पहले भी बात की थी कि बैंक कुछ भी रिसीव कर सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिसीव कर सकते हैं। ए शॉपकीपर एक्सेप्टिंग ₹20,000 कैश फ्रॉम ए कस्टमर फॉर ए गुड सोल्ड, यदि उसने माल बेचा है वो 20,000 रुपये से ज्यादा कैश रिसीव कर सकता है। एक अलग से एक क्लॉज हम लोगों ने एक अलग वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने कहा था कि 2 लाख रुपए की लिमिट आती है रिसीविंग के ऊपर, लेकिन यहाँ पर शॉपकीपर रिसीव कर सकता है 20,000 रुपए तक का। एंड ए कंपनी रिसीव एक्सेप्टिंग ₹20,000 कैश लोन फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज सिक्योर्ड बाई ए मोर्टगेज। यदि कंपनी किसी फाइनेंसिंग कंपनी से लेती है, तो फाइनेंसिंग कंपनी देखें एनबीएफसी हो गई, बैंक हो गए, तो बैंक से अगर आप लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके कुछ आपके जो एक्सेप्शंस थे, तो आई थिंक 269(s) आपको समझ में आ गया होगा। अब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पे हम आ जाते हैं कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या कहती है। द सब क्लॉज मैंडेट रिपोर्टिंग ऑफ ईच स्पेसिफाइड सम ट्रांजेक्शंस टेकन और एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डेट एक्सीड ₹20,000। इट कवर्स बोथ एडवांस एंड एनी अदर सम रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द प्रॉपर्टी ट्रांसफर। कई बार क्या होता है, हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर के नाम पे भी हम लोग ले लेते हैं कि भैया हमने तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी जी, हमने तो इसलिए लिया है जी, तो वे उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाती है, राइट। अब हम अगली बात कर लेते हैं, स्क्रूटिनाइजेशन स्पेसिफाइड सम ट्रांजेक्शन। द टैक्स ऑडिटर शुड थोरोली रिव्यू ऑल अकाउंट्स एंड एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन। देखो प्रॉपर्टी पे बहुत कुछ होता है, इसलिए प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन की हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की है। थ्रू विच द एसएससी हैज रिसीव्ड स्पेसिफाइड सम्स, दिस इंक्लूड एनालाइजिंग एग्रीमेंट्स फॉर द सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिफाइंग एनी पेमेंट रिसीव इन कनेक्शन विद दीज ट्रांजेक्शंस। तो आपको देखो प्रॉपर्टी के देखने हैं, इंपोर्टेंस फॉर रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डीलर्स। भैया बिल्डर्स डीलर्स का आप जानते हो कि सबसे ज्यादा बदनाम है कि भैया कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, तो रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डीलर्स आर पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाई दिस क्लॉज एज देयर बिजनेस ऑफ्टन इन्वॉल्व रिसीविंग वेरियस पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर इन कनेक्शन विद द प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन। तो हमने जैसे कहा ना कि भैया उनके पास तो कैश में बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो लोग अब नहीं कर पाएंगे। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पे स्टेटस सिमिलर टू क्लॉज 31(a), इफ द स्पेसिफाइड सम इज एक्सेप्टेड बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट, द टैक्स ऑडिटर मस्ट एसर्टेन वेदर दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर अकाउंट पे इंस्ट्रूमेंट्स। वेरीफाइंग द अकाउंट पे स्टेटस इज इसेंशियल टू इंश्योर कंप्लायंस विद द टैक्स रेगुलेटर। तो भैया ये भी देखना है कि अगर बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू भी गया है, तो भैया वो अकाउंट पे ही था या वहीं उसने सेल्फ का चेक दे दिया था, तो वो आपको ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, सपोज द टैक्स ऑडिटर इज अनेबल टू वेरीफाई वेदर स्पेसिफाइड सम वर एक्सेप्टेड थ्रू अकाउंट पे इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, इन सच केस इट शुड क्लियरली स्टेटेड इन द टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट। यदि आपको अकाउंट पे चेक नहीं मालूम पड़ रहा, उसकी फोटोकॉपी नहीं है, आपको डाउट हो रहा है, तो फिर आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए, भैया इन इन चेक्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मुझे यहाँ पे डाउट है। तो दोस्तों ये हमारे क्लॉज जो है, क्लॉज हमारा 31(b), जो हमारे लोन्स जितने भी अगर हमने लिए हैं या हमने कोई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं 20,000 रुपये से ज्यादा, उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे की जाती है। ऑडिटर्स को बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुत क्रूशियल ये रिपोर्टिंग होती है। अगर आपको इस संबंध में और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, या आप हमारे पेड कंसल्टिंग सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोज को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।